अच्छा, तो अब हमने ओपनिंग बनानी है। ओपनिंग बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास दो टेक्निक्स है। देर आर टू टेक्निक्स टू क्रिएट ओपनिंग्स फॉर आवर स्टेयर्स। नंबर वन, सेलेक्ट योर फ्लोर, क्लिक ऑन एडिट बाउंड्री। ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन आएगी एडिट बाउंड्री की, इसको प्रेस कर ले सिंपल और टॉप व्यू पे चले जाए। लेवल नंबर वन, लेवल नंबर वन पे चले जाएंगे और जहां पे आपने स्टेयर्स बनानी है उस जगह को वहां पे ड्रॉ कर ले। फॉर एग्जांपल, स्टेयर्स मैंने इस जगह ऊपर लेके जानी है, इस साइड से स्टार्ट हो और ऐसे ऊपर जाए, तो मैं यहां पे एक रेक्टेंगल बना लूंगा या ऐसे क्लिक कर लेता हूं पिक पॉइंट। एक लाइन मैंने ये सेलेक्ट कर ली, एक लाइन मैंने ये सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इन दोनों को मैंने फिल कर देना है। ठीक हो गया, और इसी तरह इसका एक ऑफसेट ले लेता हूं, इस लाइन का मैं ऑफसेट ले लूंगा कितना, 4 फीट ले लेते। इस साइड का ऑफसेट ले ले और इसको फिर फिल कर ले यहां से। ठीक हो गया, स्टेयर यहां से स्टार्ट होंगी तो ओपनिंग तो यहां से शुरू नहीं होगी, कम से कम यहां पे मिड तक आएगी, आपका सर ना लगे इतनी हाइट पे हो। तो अगर यहां से यहां तक पहुंचेंगे, आपने डिस्टेंस पूरा निकालना है। अब मेरे ख्याल में 4x4 फीट ये आ गया, आपका लैंडिंग आ गया, एक लैंडिंग यहाँ पे हो जाएगी और तकरीबन 4x8 8 फीट तक यहाँ पे होगा। तो यहाँ से अगर मैं हेड को ओपन करता हूँ इस जगह पे तो ये काफ़ी रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर लूँ, इन दोनों को मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक मैं ओपन करना चाहता हूँ तो कितना ओपन करना चाहता हूँ, स्टेयर्स फिर कैलकुलेट करने पड़ेगी। तो फिलहाल मैं रैंडमली एक जगह पे बना देता हूँ ओपनिंग। ठीक है, एक तरीका तो ये ओपनिंग आप ऐसे बना सकते हो। ये साइट पे मैंने स्टेयर्स के लिए ओपनिंग बना ली। ठीक है, समझ आ गए। तो ये तरीका हमने इस्तेमाल किया फॉर अ सिंगल फ्लोर। व्हाट इफ वी हैव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और आपने क्या क्या नाम है, क्या कहते हैं, लिफ्ट के लिए आपने ओपनिंग बनानी है। ठीक है, या आप चाहते हो कि मैं यही ओपनिंग इस्तेमाल करना चाहता हूँ सारे फ्लोर्स पे। ठीक है, ये तो एक फ्लोर के लिए ओपनिंग हो गई। अगर मैं सारे फ्लोर्स पे ओपनिंग बनाना चाहता हूँ एक ही कमांड से, तो वो कैसे करूँगा, हाउ टू क्रिएट ओपनिंग फॉर ऑल द फ्लोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो मैं चलो इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं एडिट करके ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ पे, या इसको रहने दें, इसी को ऐसे रहने दें, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल साइट से, ईस्ट व्यू पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, या एक और लेवल बना लेते हैं, यहाँ पे 2 लेवल और बना लेते हैं। ठीक हो गया, अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं यहां से यहां तक। बाईस कितना आ सकता है, 24, 33 है, ये कितना आएगा, 44,
ठीक हो गया। अब मैंने कैसे कॉपी करना है इस फ्लोर को, इसको कंसिडर कर ले फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, एक ही फ्लोर है, या साइड से भी आप कॉपी कर सकते हैं, साइड से भी आप ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर सकते हैं। कैसे कॉपी कर सकते हैं, यहां से मैंने सिलेक्शन की, ठीक है, बल्कि इस तरह आ जाए, ये फ्लोर भी आपका सेलेक्ट हो जाए। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि ये वाला फ्लोर सेलेक्ट हो जाए, ठीक हो गया। वही तरीका है, फिल्टर, चेक नन, वॉल्स एंड फ्लोर, अप्लाई, ओके, क्लिक ऑन कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल। तो यहां से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है, ओके का बटन, कॉपियां बन जाएगी। एक चीज ध्यान में रखें, मैंने सिर्फ एक ही रूफ बनाना है, मल्टीपल रूफ्स नहीं बनाने। विंडो किस तरह आया, ये इसके साथ लिंक्ड है, ऑटोमेटिकली वो उठा लेता है, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर आपके पास इसके अंदर विंडोज भी सेलेक्टेड है, अटैच्ड हैं, डोर्स भी हैं, तो उनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या चीज सेलेक्ट करनी है, वॉल्स और फ्लोर। सारी वॉल्स को सेलेक्ट कर लें, सारे फ्लोर को सेलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिकली सब कुछ कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हो कुछ विंडोज, कुछ इस तरह आगे पीछे हो सकते हैं आपसे। तो ये देखें यहां पे कॉपी बन गई। अच्छा, हम बात कर रहे थे हाउ टू क्रिएट ओपनिंग फॉर अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना है, ओपनिंग की तरफ आना है, ये देखिए यहां पे बिल्कुल आर्किटेक्चर टैब में ओपनिंग का ऑप्शन होगा, ओपनिंग में ऑप्शन है शाफ्ट, शाफ्ट को क्लिक कर लें तो शाफ्ट के लिए, शाफ्ट को आप यूज कर सकते हैं मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में किसी भी लिफ्ट की ओपनिंग के लिए। जैसे इसको क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे लेवल नंबर 1 पे, और अब मैं देखूंगा कि मैंने ओपनिंग कहां पे बनानी है। सिंपल आपने ड्रॉ कर लेना है, फॉर एग्जांपल ये पूरा मैंने ओपन छोड़ना है एंड तक, ओपन टू स्काई है, फॉर एग्जांपल ओपन टू स्काई बनाते हैं। तो यहां पे मैं बना लेता हूं इस जगह पे, इसका मैं मिरर ले लेता हूं यहां से विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ लाइन, और इस तरह से इसको मैं मिला लेता हूं इन दोनों को, कोई गैप हो तो खत्म हो जाएगा और यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब इस साइड पे आ जाए, मैंने ये ओपन टू स्काई ये चीज बना ली, थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ऊपर ले जाने के लिए मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा और एरो की से मैं इस तरह से ऊपर कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ ओपनिंग थोड़ी सी यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ओपनिंग मैंने यहाँ पे बनानी है, अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसी इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस कंस्ट्रेंट लेवल नंबर 1, टॉप कंस्ट्रेंट कहाँ तक जाना है, यानी बेस -1 नेगेटिव पे भी जा रहा है, मैं चाहता हूँ नेगेटिव में ना जाए, नीचे फ्लोर सब्ट्रैक्ट ना करे, इसको मैं 0 कर लेता हूँ। और टॉप कॉन्स्टेंट लेवल कौन सा है, लास्ट लेवल नंबर 6 है, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके लेवल नंबर कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ वहाँ तक सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए लेवल नंबर 6 तक, 6 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर लें, फिनिश कर लें। तो यहां पे जैसे ही आएंगे 3D व्यू में चेक करते हैं, तो यहां ग्राउंड से लेके टॉप फ्लोर तक ओपनिंग आपको नजर आएगी यहां पे, ठीक है। अब मैंने रेलिंग बनानी है, ओपनिंग तो बन गया, अब मैंने रेलिंग बनानी है। तो रेलिंग को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा लेवल नंबर 2 पे, ग्राउंड पे तो नहीं है, 1 पे तो रेलिंग है ही नहीं,
वन पे तो नहीं है, टू पे है। अब रेलिंग बनानी है तो कैसे बनाएंगे? सिंपल, रेलिंग पे आएंगे, यहां पे ऑप्शन है स्केच पाथ, इसको सिलेक्ट कर ले। ठीक है, कौन सी रीलिंग अप्लाई करनी है, किस तरह अप्लाई करनी है, आपके पास लाइब्रेरी होगी वहां से ला सकते हैं, अपनी रीलिंग बना सकते हैं। फिलहाल मैं लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकता हूं और जो इसके अंदर पहले से बाय डिफॉल्ट जो रीलिंग है वो मैं यूज कर सकता हूं। तो मैं अब यहां पे स्केच पाथ करूंगा, तो स्केच पाथ की बजाय मैं यहां पे पिक लाइन कर लेता हूं। ठीक है, और जैसे इसको फिनिश करूंगा तो ये रीलिंग इस तरह से बन जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो ये यहां पे काम कर रहा हूं ये मुझे नजर आए। ठीक है, इस फ्लोर पे जो मैं काम कर रहा हूं वो मुझे नजर आए, तो उसको देखने के लिए आप किसी कमांड से हेल्प ले सकते हो। आप यूज कर सकते हो सेक्शन बॉक्स। सेक्शन बॉक्स को चेक कर लें इफ यू वांट टू सी योर वर्क ऑन लेवल नंबर वन कि मैं क्या कर रहा हूं। तो आपने क्या करना है, सेक्शन बॉक्स को चेक कर लेना है। जैसे माउस पॉइंटर यहां पे लेके आएंगे तो एक बॉर्डर सा आपको नजर आएगा, आपने सिंपल इस बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेना है और यहां तक आ जाना है। इस बॉर्डर को सेलेक्ट करने के बाद टॉप वाले जो एरोज हैं उनको, हैंडल्स हैं या कंट्रोल्स हैं, माउस पॉइंटर उसके ऊपर ले आए, प्रेस करें और इस तरह से नीचे ले जाए, तो आपको यहां पे ये एरिया कटेड नजर आएगा। अब यहां पे मैं दोबारा इसको ऊपर करता हूं तो देखें ये रिलिंग मुझे नजर आ रही है। ठीक है, और नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर नजर आ रहा है। अगर इस साइड से इसको पकड़ लूं, ऐसे कर लूं, तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि अंदर से ये फ्लोर कैसे है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये रीलिंग मैं कॉपी करूं हर फ्लोर पे, तो कौन सा तरीका अप्लाई करूंगा? वही वाला तरीका। कौन सा तरीका? वही वाला तरीका। कौन सा वही वाला तरीका? सिलेक्शन करेंगे, फिल्टर करेंगे, चेक नन करेंगे और रीलिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, अप्लाई, ओके, कॉपी। रीलिंग को मैंने कॉपी किया, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल और 1, 3, 4, 5, 6 ओके, एंड तक रीलिंग आ गई। ठीक हो गया, सही है। ये तो आपका हो गया डिफरेंट लेवल को कॉपी करना, पेस्ट करना। अब इसके ऊपर जो टॉप पे है इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, लास्ट फ्लोर है मेरा, इसके ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, रूफ, एक रूफ बस। अच्छा, अब नेक्स्ट फेज में हमने क्या करना है, नेक्स्ट फेज में हमने ये करना है कि हमने सीलिंग्स लगानी है इंटीरियर के लिए, मैंने सीलिंग्स लगानी है, तो हाउ टू क्रिएट सीलिंग। ठीक है, सीलिंग को लगाने के लिए मैं क्या करता हूं, तो अगर सीलिंग बनानी है, सीलिंग को बनाने के लिए आपने इस फ्लोर प्लान में काम नहीं करना, सीलिंग को बनाने के लिए आपने काम करना है सीलिंग प्लान में। ठीक है, लेवल वन को अगर मैं क्लिक करता हूं सीलिंग प्लान के अंदर, और यहां पे अगर मैं कोई सीलिंग बनाना चाहूं, या फॉर एग्जांपल मैं लेवल फ्लोर प्लान लेवल के अंदर होता हूं और सीलिंग में बनाना चाहता हूं, तो आपको सीलिंग नजर नहीं आएगी। आप फ्लोर प्लान के अंदर हो और आप सीलिंग प्लान बनाना चाहते हो तो आपको सीलिंग नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि सीलिंग को देखने के लिए आपने सीलिंग प्लान व्यूज के अंदर जाना है। जैसे पहले मैंने बताया था ये सारे व्यूज हैं, हम एक चीज को देखना चाहते हैं, कौन सी चीज हमें नजर आनी चाहिए, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने सीलिंग को देखना है, सीलिंग प्लान बना रहे हो, तो आपने सीलिंग प्लान्स के अंदर जाना है। तो यहां पे मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा सीलिंग के अंदर,
नजर आ रहा है सीलिंग, इसको क्लिक कर लेना है। सीलिंग को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, नजर आ रहे हैं। ऑटोमेटिक सीलिंग दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक सीलिंग और स्केच सीलिंग। तो मैं यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक सीलिंग। स्केच का मतलब यह है कि खुद आप ड्रॉ कर सकते हो। ऑटोमेटिक सीलिंग का क्या मतलब है कि बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। यहां पे जब मैं क्लिक करता हूं और मैं आता हूं यहां पे इस जगह पे, नजर आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूं तो ये सीलिंग बन जाएगी, सीलिंग आपको नजर भी आएगी। इसी तरह अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ठीक है, यहां पे अलग सीलिंग बन जाएगी, यहां पे अलग सीलिंग बन जाएगी, यहां पे अलग सीलिंग बन जाएगी, यहां पे अलग सीलिंग, 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 सीलिंग। फिर उसके बाद अगर आप किसी भी सीलिंग को सेलेक्ट कर लें, अंडू कर लेते हैं थोड़ा सा, सीलिंग को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप फिर टैब का बटन प्रेस करेंगे, टैब का बटन प्रेस कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, यहां पे आ जाएंगे। अगर आपने टाइप को चेंज करना है, यहां पे आ जाए, आपको मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स नजर आएंगे सीलिंग की, ठीक है। जेनेरिक सीलिंग, जो बेसिक सीलिंग पहले से बनी हुई है, इसको क्लिक कर लें तो वो सीलिंग आ जाएगी। यहां पे आ जाए, दूसरी टाइप सेलेक्ट कर लें तो दूसरी टाइप आ जाएगी, 2x2 सेलेक्ट कर लें 2x2 आ जाएगी। अपनी कोई सीलिंग टाइप बनाना चाहते हैं, यहां पर आ जाए। कोई आपके पास लाइब्रेरी में सीलिंग कोई पड़ा होगा वो कैसे लेके आएंगे, फिर वहां पे जब इंपोर्ट कर लेते तो यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिलहाल मैंने ये चीज बना दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फेज है, सीलिंग को बनाने के बाद हाउ टू इंसर्ट लाइट्स। इसके अंदर अगर हमने लाइट्स डालनी है, इंडोर लाइट्स, तो कैसे डालेंगे, हम आएंगे सिस्टम के अंदर, ठीक है, सिस्टम के अंदर आएंगे, क्योंकि बाकी चीजों के साथ हमारा फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, लाइट्स को हम लगाना चाहते हैं व्यूज के लिए, तो हम आएंगे सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर फिर यहां पे आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल में हम आएंगे लाइटिंग फिक्स्चर, ठीक है। लाइटिंग फिक्स्चर को जैसे क्लिक कर लेंगे, आपको कह रहा है नोड लाइटिंग फैमिली इज लोडेड, वुड यू लाइक टू लोड वन नाउ। मैं कहूंगा यस, लोड कर लो। और यहां पे मैं इलेक्ट्रिकल में आ जाऊंगा, आर्किटेक्चर में, और यहां पे इसमें लाइट्स का मैकेनिकल में है इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल पावर किस में, अभी ये मुख्तलिफ लाइट्स हैं, ये मैं एक मरतबा लाइट्स को सर्च कर लूँ, कोई भी इसमें ये है लाइट्स, आपने आना लाइट्स में, इलेक्ट्रिकल में नहीं आना, लाइट्स में आना, ठीक है। लाइट्स में आ जाए, आर्किटेक्चर में आ जाए, इंटरनल में आ जाए, ठीक है, मुझसे भूला होता कहाँ पे पड़े हुए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आने के बाद देखें क्या लिखा हुआ है, सीलिंग लाइट फ्लैट है और एक है राउंड बॉक्स, इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। बाकी भी डाउन लाइट्स हैं, ये भी सारी लाइट्स हैं, लेकिन सीलिंग लाइट ये है, इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओपन कर लें, जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा, नजर आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीलिंग लाइट को चेंज कर लेता हूँ, ये सर्कुलर है, मैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर लगाना चाहता हूँ। एक लाइट मैं यहां पे लगा लेता हूं फॉर एग्जांपल, एक लाइट मैं यहां पे लगा लेता हूं,
यहाँ पे मैं डिफरेंट लाइट लगाना चाहता हूँ, 200 वाट का। ठीक है, कुछ रैंडम लाइट्स मैंने लगा ली, ठीक हो गया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ ये लाइट्स कैसी हैं। तो उसके लिए मैंने आना है व्यूज में, ठीक है, 3D व्यूज में और कैमरा में, और यहां से आके इस डायरेक्शन में मैं एक व्यू लेना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कोई शेप नजर आएगी। क्यों ये नजर आई ऐसे? क्योंकि मैंने गलती की। क्या गलती की? नहीं, मैं सीलिंग लेवल पे हूं और मैंने लाइट बना कैमरा बना लिया, ठीक है। तो इस लेवल पे आपने नहीं बनाना, आपने लेवल वन पे जाना है। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ फिलहाल, और मैं दोबारा आऊंगा, कैमरा व्यू क्लिक करूंगा और यहां पे आके व्यू बनाऊंगा, ठीक है। ये आपका व्यू आ गया, समझ आ रही है? बिल्कुल ऑन होती है, ये आपको रेंडरिंग में ऑन नजर आएगी। जब हम इसको रेंडर करेंगे, रेंडरिंग में आपको ये ऑन नजर आएगी। ये सारी चीजें मैं मटेरियल में आपको करवा चुका हूं। किसी चीज को आप अगर आपने ग्लो में शो करना है तो आपने क्या करना है, उसको ऐसा मटेरियल असाइन करना है कि वो ग्लो करे। लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, मटेरियल में जाके अगर आपने अपना कस्टम कोई लाइट सोर्स बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे। आप क्यों मुस्करा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? उसको देख के हंसी आ रही है कि वैसे कोई किसी अपने बचपन की याद आ रही है? फन कई दस केक थे, बिस्कुट थे, सुशी नहीं, हाँ कमा क्यों कल लाइट नहीं कतल, हाँ हाँ गरीबी सब ना हुई, दा दे देते हो, दा देते हो, दा देते नहीं आए। खबर खबर का मतलब बल खबर हम कवा। अच्छा यहां तक तो हमने एक व्यू बना लिया। अब मैं अगर दूसरा व्यू बनाना चाहता हूं तो दूसरा व्यू बनाने के लिए मैं दोबारा आऊंगा कैमरे में, और इस साइड से फॉर एग्जांपल मैंने रूम का एक व्यू लेना है तो यहां से दूसरा व्यू बना सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं आता हूं टॉप व्यू से, अभी आपको क्या प्रॉब्लम हो गई है? यहां पे जब इस कैमरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से इसको मैं चेंज करना चाहता हूं अपने व्यू को, तो वो आप चेंज कर सकते हो, कैमरे को सेलेक्ट कर लें। बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, फार क्लिप, नियर क्लिप, इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 50 कर लूँ तो कहाँ तक आपको ये नज़र आए? आई एलिवेशन, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। फिलहाल यहाँ पे देखें, तो आपने अपने व्यू को चेंज करना है, फिर उसके बाद आना है यहाँ पे, थोड़ा सा स्क्रॉल आउट कर लें, अपने व्यू को अरेंज कर लें, ठीक हो गया। इसी तरह यहां पे आ जाए, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट फेज।
यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ये तो कंक्रीट है, ठीक है, मैं चाहता हूं यहां पे कोई टाइल में लगाऊं, ग्राउंड पे कोई टाइल लगाऊं, कंक्रीट तो नहीं होता, इसको टाइल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे कि नहीं कुछ और करेंगे, इस फ्लोर को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गया, एडिट में जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे और इंसर्ट कर लेंगे एक और लेयर, और इस जगह पे हम क्लिक कर लेंगे एक अलग मटेरियल, एक नया मटेरियल बना लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद टेम्पलेट्स में आ जाएंगे, टेम्पलेट्स में आने के बाद अपीयरेंस में आ जाएंगे, अपीयरेंस में आने के बाद फ्लोरिंग में आ जाएं, फ्लोरिंग में टाइल्स आ जाएं, टाइल्स में वो टाइल सेलेक्ट कर लें फ्लोरिंग में, और इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ये वाली टाइल, ठीक है, और ये साइन हो गई कि नहीं हुई, हाँ साइन हो गई, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूं, अप्लाई कर लें, ओके कर लें, इसको विड्थ देनी है, टाइल की विड्थ कितनी है, कितनी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 0.1 इंच में दे देता हूँ, वैसे तो और भी कम होती है, एक इंच से बहुत कम होती है, एक इंच तो काफ़ी बड़ी है, आधा इंच होता है, यहाँ पे मैं फिलहाल सिर्फ 0.1 कर लेता हूँ, ओके कर लें, अप्लाई कर लें, ओके कर लें, तो आपके पास यहाँ पर टाइल्स आ जाएंगे, व्यू पे आएँ, शेडेड में आ जाएँ, यहाँ पर आपको टाइल्स नज़र आएगी। अब बारी आती है रेंडरिंग की, ठीक है, हाउ टू डू रेंडरिंग, तो रेंडरिंग के लिए आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट टाइप करनी है, कैमरा व्यू आपने सेलेक्ट कर लेना है, जिस व्यू में व्यू को भी आपने रेंडर करना है, आरआर टाइप करें, टाइप आरआर, आरआर इज अ शॉर्टकट फॉर रेंडरिंग, आरआर टाइप करके एंटर करें, बल्कि इसमें एंटर नहीं है, सिंपल आरआर टाइप करें, आरआर नहीं नहीं आरआर, जैसे कि ऑटोकैड में भी आरआर था, उसमें भी रेंडरिंग होती है, वही शॉर्टकट यहां पे भी है, आरआर टाइप करके, बल्कि एंटर नहीं प्रेस करना, सिंपल आरआर टाइप कर लें, फिर उसके बाद आपने आ जाना है यहां पे ड्राफ्टिंग में, फिलहाल मैं मीडियम क्वालिटी रेंडर करना चाहता हूं, स्क्रीन को कर लेंगे तो बहुत रफ क्वालिटी आपको यहाँ पे शो करेगा, अगर प्रिंट को सेलेक्ट करेंगे तो अच्छी रेजोल्यूशन पे आएगा, और जो रेजोल्यूशन होगी यहाँ पे आपको नजर आएगी 1156 पिक्सल्स इंटू 579 पिक्सल्स, ये कैसे बढ़ेगी, ये आप यहाँ से आके DPI बढ़ाएं तो यहाँ पे रेजोल्यूशन इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, फिलहाल मैं 150 पे ही छोड़ देता हूँ, और अनकंप्रेस इमेज का साइज ये होगा जब रेंडर हो जाएगा, जब सेव करेंगे, इसी तरह लाइटिंग स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग स्कीम है, एक्सटीरियर लाइटिंग है, इसको मैं ख़त्म करके, बल्कि ख़त्म नहीं करूँगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा इंटीरियर लाइट, यहाँ पे तीन टेम्पलेट्स हैं एक्सटीरियर लाइटिंग के और तीन टेम्पलेट्स हैं इंटीरियर लाइटिंग के, अगर आप सिर्फ यूज करना चाहते हैं आर्टिफिशियल लाइट ओनली इंटीरियर तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट का इम्पैक्ट चेक करना चाहता हूँ क्या कैसे नजर आ रहे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर व्यू है, कैमरा हमारा इंटीरियर में लगा हुआ है, एक्सटीरियर में तो नहीं है, अगर एक्सटीरियर व्यूज होते तो मैं एक्सटीरियर में जाता, ठीक है, तो इंटीरियर को सेलेक्ट कर लें, सेंड सेटिंग्स फिलहाल एज इट इज बाय डिफॉल्ट है वो वैसे ही छोड़ दें, आर्टिफिशियल लाइट आपको शो कर रहा है कितनी आर्टिफिशियल लाइट्स लगी हुई है इसमें, इसको क्रॉस कर लें, स्काई आपको कौन सा चाहिए, इमेज लगानी है कौन सा, फिलहाल बाय डिफॉल्ट लगा दें, और सिंपल आप रेंडर का बटन प्रेस कर लें, रेंडर का बटन प्रेस करेंगे तो थोड़ी देर बाद इसकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसेसिंग चल रही है, अब रेंडरिंग कंप्लीट हो गई, अब मैंने थोड़ा सा इसका एक्सपोजर को बढ़ाना है, तो एडजस्ट एक्सपोजर।